तो इसमें इसमें इसको बीच से तोड़ देता है, दोनों तरफ से एल्डिहाइड बनते हैं। सॉरी एल्डिहाइड बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, बीच से तोड़ देगा उसको। ठीक है, अगर ऐसा है CH3COH और HCOH, कार्बन थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, है ना, ध्यान से देख लो, जो कहीं से भी तोड़ दिया सिमेट्रिकल है, कहीं से भी तोड़ दो, एक तरफ से दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ से एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का एक कार्बन का। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? सर स्क्रॉल डाउन कर दो, स्क्रॉल डाउन, एक सेकंड, स्क्रॉल डाउन करना है, डाउन करना है, अप करना है, अप बोलेंगे ना इसको तो, फ्रेंड्स। यस सर, वो ही है सर, थोड़ा सा और बस। यस सर, सर हो गया प्रिंस? यस सर। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट? तो ये विग्रस ऑक्सीडेशन में बीच से तोड़ देते हैं कीटोन को और दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हालांकि ये रिएक्शन कम यूज होगी बट फिर भी पता होनी चाहिए। इसमें बच्चों सिमेट्रिकल एल्की, सिमेट्रिकल कीटोन है, कहीं से भी तोड़ दो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ध्यान रखना कैसे तोड़ेंगे, बराबर का काम कर देंगे थोड़ा, मतलब CO को, CO वाला कार्बन उसको दे देंगे जिसके पास कम कार्बन है, समझ में आ रहा है सबको? ऐसे तोड़ देंगे, दोनों तरफ से दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पॉफ्स रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पॉफ्स रूल। ऐसे तोड़ेंगे कि ये वाला जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ये उसको दे देंगे जिधर कम कार्बन है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो। समझ में आ रही बात सबको? सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी तोड़ दो, अनसिमेट्रिकल में ये चीज ध्यान रखनी है। सो दिस इज पहला नॉर्मल है ना, माइल्ड ऑक्सीडेशन, फिर है ये, उससे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, और एक है ये विग्रस ऑक्सीडेशन, इससे तो सब कुछ ऑक्सीडाइज रहेगा। ठीक है, तो इधर से तोड़ देंगे, एक तरफ से दो कार्बन का और एक तरफ से तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? RCHO तो हो ही जाएगा ऑक्सीडाइज, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो माइल्ड से ही हो रहा था, स्ट्रॉन्ग से तो हो ही जाएगा। ये हो गए सारे टाइप के ऑक्सीडेशन, और लास्ट है बच्चों रिडक्शन, बस फिर काम खत्म। रिडक्शन के बहुत सारे हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से ध्यान से सुनना बच्चों। LiLH4, NaBH4, सबसे सबको कर देंगे। LiLH4, NaBH4 सबको रिड्यूस कर देते हैं, एल्डिहाइड सीटोन्स दोनों को। कर देते हैं,
समझ लो सब रिडक्शन मतलब एच एच चिपका दिया, यहाँ पे क्या बन जाता था 2 डिग्री एल्कोहल्स, है ना, किया था हमने एल्कोहल्स वाले चैप्टर में चीज। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, वो जेई मेंस वाले अच्छे क्वेश्चन आए हैं उसमें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, ध्यान से सुना मुझे। ये AlH4 हो चाहे NaBH4 हो, क्या बोलते हैं इनको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H- से अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करते हैं, किससे अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल से। तो ये पोलर पाई बॉन्ड्स, पोलर पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस करते हैं। पोलर पाई बॉन्ड्स मतलब जहां पे बच्चों अलग अलग एलिमेंट्स हो, अलग अलग मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ऑक्सीजन, एक कार्बन, तो ये पोलर पाई बॉन्ड होगा, है ना। इसमें क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, समझ आ रहा है सबको, पोलर पाई बॉन्ड है। इसको आराम से H- अटैक करेगा, रिड्यूस कर देगा, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली RCN फिर से क्या है, ये पोलर पाई बॉन्ड, पढ़ा था ये भी हमने, AlH4 क्या होगा, HHHH RCH2NH2, ठीक है। तो AlH4 NaBH4 वो पोलर पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस करते हैं, हाँ जी समझ में आ गया सबको पोलर पाई बॉन्ड्स का मतलब। काइली कोई डाउट? नो सर। ठीक है केविन, समझ आ रहा है? सर मैं एक बार बता दो सर फिर से, क्या क्या प्रिंस, फिर से बता, क्या मिस हो गया तेरा, सर एक बार फिर से बता दे। अच्छा अच्छा प्रिंस, ये AlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किससे अटैक करता है, H- से, है ना, हाइड्राइड डोनर होते हैं, क्या होते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H-, ठीक। तो ये पोलर पाई बॉन्ड्स पे अटैक करते हैं, पोलर पाई बॉन्ड्स मतलब जहां पे कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, प्रिंस समझ आ रहा है? चार्ज देखते ही अटैक मारेगा AlH4, लेकिन ये एल्कीन को अटैक नहीं करता, स्ट्रॉन्ग भले ही कितना हो, डू नॉट रिड्यूस एल्कीन्स और एल्काइन्स, क्योंकि इसमें इसमें नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, भाई भाई के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, समझ आ रहा है प्रिंस? यस सर। अच्छा बच्चों, तो ये सब चीजों पे क्वेश्चन आए हैं यार, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद ही है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स को दोनों करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में सिर्फ कौन काम कर पाता था, AlH4, वेरी गुड, NaBH4 फेल हो जाता था। सर वो एल्डिहाइड्स को कर सकता था कौन, सर NaBH4 एल्डिहाइड्स को तो कर सकता था ना, मुझे ऊपर दिखा तो है, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स दोनों को कर सकता है, NaBH4 भी और AlH4 दोनों कर सकते हैं उसके, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एनी डाउट? फेल कहाँ होता है, एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में फेल होता है, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे NaBH4 से नो रिएक्शन, अलग से लिख दूंगा यार, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं AlH4 कर देगा दोनों को रिड्यूस, हाँ जी दिव्यांशु श्रेया कोई डाउट बचा है, इसमें कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये सब बच्चों अच्छे से याद रखना, ठीक है। ट्वेंटी नाइनटीन वाला शीट एक बार क्वेश्चंस,
बस पहले ये क्वेश्चंस करो एक बार, ये सारे रिडक्शन वगैरह के ऊपर बेस्ड हैं, करो एक बार ये पांच क्वेश्चन। फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन का रिएजेंट समझ आया सबको? ये डिबाल एच आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, तो आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस का रखा है, ठीक है डिबाल एच, दैट इज डिबाल एच, याद आ गया सबको डिबाल एच के बाद हाइड्रोलिसिस। डिबाल एच क्या करता था, एक स्टेप का रिडक्शन, एक स्टेप, और फिर हाइड्रोलिसिस से हम RCHO बनाते हैं। एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में किया था हमने ये डायरेक्ट रिएक्शन, अच्छे से याद करो ये सब चीजें। क्लियर है? डिबाल एच से एक स्टेप का रिडक्शन होता है, पहला LH4 होता है तो दोनों स्टेप का हो जाता है। डिबाल एच से एक स्टेप, सर ए है ना इसका आंसर वन, मतलब थर्ड एल्डिहाइड बनाया तो अभी प्रिंस, फिर वो समझ नहीं आया, याद नहीं हुआ ये एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में है रिएक्शन प्रिंस। अच्छा यस सर, यस सर। आरसीएन पे डिबाल एच किया हमने, उससे एक स्टेप का रिडक्शन हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, RCHO बनता है। करो 3, 4, 5 और 13 करो। सर थर्ड क्वेश्चन ये राइट वाला है या नीचे वाला? क्या थर्ड में क्या है प्रिंस, क्या बोल रहे? सर मैं पूछ रहा हूँ ये राइट वाला है, राइट वाला, राइट वाला, राइट वाला, फोर्थ वाला नीचे वाला। ओके सर, राइट वाला है, फोर्थ वाला नीचे, नीचे वाला है। अच्छा इसमें एक डाई टेस्ट आ रहा है, सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में एक डाई टेस्ट आ रहा है। डाई टेस्ट एनिलीन के लिए होता है, NH2 ग्रुप के लिए, किसके लिए, बेंजीन पे NH2 ग्रुप के लिए होता है डाई टेस्ट, ठीक है, तो वो हम अमाइंस वाले चैप्टर में करेंगे। सर टू है इसका आंसर,
कौन सा 2,4 DNP टेस्ट में कलर्ड प्रेसिपिटेट मतलब एल्डिहाइड कीटोन ठीक है उसमें येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट ठीक है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा मिथाइल कीटोन्स और डाई टेस्ट में डाई नहीं बनना चाहिए नहीं बनेगा तो 1 और 3 में से ही होगा कोई मतलब सॉरी हाँ सॉरी 2 और 4 में से ही होगा कोई क्योंकि NH2 तो डाई टेस्ट देगा ठीक 2 और 4 में से होगा हाँ और 2 4 में से कौन सा हो जाएगा जो सेकंड हो जाएगा ठीक है मिथाइल कीटोन COCH3 वो देगा हमारा येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है COCH3 ग्रुप सेकंड ऑप्शन हो जाएगा समझ आ रहा है सबको फोर्थ करो अब फोर्थ उसी पे है NaBH4 से किस किस का रिडक्शन होगा किसका नहीं होगा NaBH4 से ना तो एस्टर का रिडक्शन होगा ठीक ना डबल बॉन्ड का होगा सिर्फ कीटोन ग्रुप का होगा समझ आ रहा है सबको ठीक है इतना सिंपल क्वेश्चन एनी डाउट दिव्यांशी सुना रहा है श्रेया सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार बता दो कौन सा प्रिंस सर फोर्थ वही तो बता रहा हूँ NaBH4 किस किस को करेगा रिड्यूस बता अभी किया ना प्रिंस एस्टर को करेगा क्या नहीं NaBH4 है प्रिंस ठीक है क्या है यस सर NaBH4 तो एस्टर को नहीं करेगा कीटोन को करेगा और एल्कीन को नहीं करते क्योंकि एल्कीन तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड है पता समझ में आया यस सर ये अभी ऊपर ये सब चीजें बताइए तेरे को है ना हाँ सर आगे सुने तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो बता प्रिंस जल्दी से एस्टर और डबल बॉन्ड सही सलामत होना चाहिए किसमें ऐसा फोर्थ ऑप्शन में भाई है ना किसमें है फोर्थ ऑप्शन में ही है सर हाँ है ना और डबल बॉन्ड ओ की जगह OH आ गया ठीक है ओके यस सर करो फिफ्थ करो फिफ्थ हो गया बच्चों समझ आ गया सबको फिफ्थ प्रिंस समझ आ गया फिर फिफ्थ पोलर पाई बॉन्ड्स है ना और एल्कीन पोलर पाई बॉन्ड्स होंगे एल्कीन नहीं होगा तो डबल बॉन्ड एन भी हो जाएगा क्योंकि वो कार्बन डबल बॉन्ड एन पोलर पाई बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड ओ भी हो जाएगा क्योंकि वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ठीक एल्कीन नहीं होगा बस तो कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर से फोर्थ ऑप्शन Any doubt? No, sir. C double bond N हो गया, C double bond O हो गया. Carbon double bond carbon नहीं होगा.
ठीक है, आयरन से बना रहा है, तो इस तरह से डिसाइड करते हैं कौन रिड्यूस होगा कौन नहीं होगा। लास्ट 13 तो देखो फिर से वही NaBH4, फिर से आपको देखना है कि कीटोन होगा या एल्कीन होगा, किसमें से कौन होगा। ठीक है, 13 का आंसर क्या होगा श्रेया? सर एक मिनट कुछ चेक करना था। वृष्टि क्लियर है? ये वृष्टि समझ आ रही बात? NaBH4 से क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं होगा, है ना, और ग्रुप हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ ठीक है श्रेयस, राइट। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं होगा, कार्बन डबल बॉन्ड वो हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो इसी एक कॉन्सेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन हैं देख लो आप लोग, है ना, और सब लोग क्वेश्चन कर लो इसके भी। मैंने सिर्फ रिडक्शन वाले कराए आपको, बाकी सारे इसमें एल्डोल वगैरह के क्वेश्चन हैं बहुत सारे अच्छे। ठीक है, कर लेना इसको। लास्ट इसमें एक रिडक्शन आपको जो 11th क्लास का है, वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन 11th क्लास में किया था हमने। हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं, क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर। याद है सबको RCHO, क्लेमेंसन में क्या होता था, जिंक मरकरी का एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl। ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है। इस रिडक्शन में और ऊपर वाले रिडक्शन में क्या फर्क है, वो अल्कोहल तक जाता था, इसमें ऑक्सीजन भी उड़ा देते हैं, हाइड्रोकार्बन बनता है। एल्केन्स के प्रिपरेशन में देखा था, इसमें ऑक्सीजन भी उड़ा देते हैं, पूरा कंप्लीट रिडक्शन हो गया। सो बेसिकली ऑक्सीजन की जगह दो ओ आ रहे हैं, एल्केन बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, प्रोडक्ट सेम बनता है दोनों में, बस फर्क क्या है रिएजेंट में, एक में एसिडिक मीडियम है और एक में बेसिक मीडियम है। इसमें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रोडक्ट सेम, वुल्फ किशनर। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, इनमें कब कौन सा चूज करना है तरीका, उसके लिए भी मैंने आपको क्वेश्चंस पहले भी कराए थे, फिर से करा देता हूँ, मैंने 11th में भी करे थे हमने, फिर से। मान लिया इसको करना है, इसमें रिड्यूस, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम कौन सा करेंगे, वुल्फ किशनर, क्योंकि अगर HCl डाल देंगे तो HCl तो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है, HCl क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। समझ आ रहा है बच्चों फंडा सबको? ठीक, सो विच वन विल बी प्रेफर्ड, वुल्फ किशनर विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, बेस से इसको कोई दिक्कत नहीं है, बेस इससे दूर रहेगा डबल बॉन्ड से, इस वाले से HCl डाल दिया तो HCl इस पे जाके ऐड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड हम ऐसा नहीं चाहते, डबल बॉन्ड की ऐसी तैसी हो जाए, हम डबल बॉन्ड को एज इट इज चाहते। सिमिलरली अगर एल्काइल हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है अगर बेस डाल दिया एल्काइल हैलाइड में तो Br तो बचेगा ही नहीं, Br की जगह या तो OH आ जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा, सब पढ़ लिया आपने। अगर हम चाहते हैं कि Br एज इट इज रहे, कौन सा बेटर मेथड होगा,
क्योंकि एसिडिक मीडियम से बीआर को कोई दिक्कत नहीं है, बीआर को दिक्कत किससे है, ओएच आयन से। ओएच आयन उसको सब्स्टिट्यूट मार सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया आपने, बताओ जो क्लियर है सबको ये दोनों एग्जांपल्स। एनी डाउट केविन, समझ में आएगी? यस सर। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके नीट में भी रहेंगे, मेंस में भी, कि कौन सा बेटर मेथड। आपको ये बस एनालाइज करना है कि यार कोई और ऐसा ग्रुप हो जिसको किसी से दिक्कत हो, बेसिक मीडियम से या फिर एसिडिक मीडियम से, जिससे दिक्कत है फिर वो दूसरे वाला मेथड यूज कर लेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हालांकि सिर्फ हुआ है ये चैप्टर अभी तक, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स के, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है ना, ठीक है। काफी मैंने करा दी, नीट लेवल के हो गए, मेंस लेवल के भी हो गए, एडवांस लेवल के लिए, जे एडवांस के लिए जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे बाकी ना। ये जे मेंस का पेपर अगर आप कर लो 2019 वाला, तो ये काफी इसका डिसेंट हो जाएगा, एल्डोल और कैनिजर हो गया, ठीक है। इसी चैप्टर में जो सेकंड और लास्ट पार्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स इसी में है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बाद। कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो आप जानते हो, RCOH, इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? इसके डेरिवेटिव्स OH को सब्स्टिट्यूट करके बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं, और उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ चार एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड क्लोराइड, OH की जगह Cl आ गया, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड में से पानी उड़ा के बना है ये, देखेंगे अभी हम इसका प्रिपरेशन। इनको एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं, जो एसिड से डिराइव होते हैं, एसिड से बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने किया हुआ है, OH की जगह OR लाके क्या बन जाता है, एस्टर। एसिड एमाइड, एमाइड या एसिड एमाइड, ठीक है, एमाइड भी बोलते हैं डायरेक्टली, RCONH2, OH की जगह NH2 आ गया। और लास्ट पांच है नाइट्राइड, लास्ट क्या है नाइट्राइड। सो दीज आर फाइव एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो सुना है सबको, एसिड डेरिवेटिव का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं सारे। अब कुछ रिएक्शंस हैं बच्चों, रिएक्शंस क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनता है, एसिड डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। कौन सी रिवर्सिबल, उल्टा दोनों तरफ पॉसिबल है ये रिएक्शन। RCOH से RCOCl बना सकते हैं, RCOCl से RCOH भी बना सकते हैं, वो आपको याद करनी है सबसे पहले। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? SOCl2 या PCl5, वही जो अल्कोहल से हम जाते थे, तो अल्कोहल से क्लोराइड लाते थे, डार्जन्स प्रोसेस, इसमें भी वही चीज है। ये बेस्ट मेथड हो जाएगा, याद है आपको, SO2HCl गैसेस प्रोडक्ट बनते थे। सॉरी, PCl5 से भी आ जाएगा, बट बेस्ट मेथड तो वही है एसोसिएशन का। तो हम ये जो रिएक्शंस पढ़ेंगे साथ साथ पढ़ेंगे, उल्टी और सीधी। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस,
सीएल की जगह क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, सीएल की जगह क्या आ जाएगा जो ओ एच, बताओ समझ आ रहा है? तो RCOH को RCOCl में कन्वर्ट कर सकते हैं और RCOCl को वापस से RCOH में, ऐसे डेरिवेटिव्स में यही होगा, इसको उसमें उसको उसमें दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? यस सर। सर दूसरे बैच में कौन से चैप्टर पे है? कौन से दूसरे सर? जो ट्यूसडे थर्सडे वाला बैच, उसमें वो लोग तो पूरा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है? तो उनका तो बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक खत्म हो के बायोमोलिक्यूल्स एमाइंस खत्म हो के बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनका फिजिकल, अच्छा उनके फिजिकल के भी दो चैप्टर वही हुए हैं क्या? उनका इलेक्ट्रॉन ही हुआ बस, वो है सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के बाद में वहाँ पे वो ऑर्गेनिक ही चल रहा है, सब में वही चैप्टर्स बराबर ही हुए भी है ना, उनका इलेक्ट्रो नहीं हुआ, उनके इलेक्ट्रो की जगह माइंस हो गया, अब बायोमोलिक्यूल चल रहा है, तो वही तुम लोगों का हाल है, ठीक है? वीकेंड में ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, उन्होंने सारे फिजिकल के चैप्टर खत्म किए पहले, काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, तो आप हाँ ये कर सकते हो, आप लोग किसी को ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, अगर किसी का कोई चैप्टर तब तक नहीं होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख, कुछ डाउट आए तो पूछ लो, ठीक है? ये भी कर सकते हैं, ठीक है? सर सैटरडे संडे वाला अटेंड कर सकता हूँ सर मैं? ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है ना उसमें? हाँ हो चुका है ऑर्गेनिक स्टार्ट, उसमें चल रहा है अल्काइलेट खत्म होने वाला है, तो सर मैं वो मांग लूंगा आपसे लिंक। लिंक सेम ही है यार, लिंक अच्छा सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? किसी में भी क्लास अटेंड करो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जो चैप्टर चल रहा है वो पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके सर। और सर टाइम क्या होता है उसका? होता है बच्चे फ्राइडे सैटरडे संडे 2:30 से स्टार्ट होते, 2:35 तक ही आते हैं उसमें सब बच्चे, खाना पीना खा के 2:35 से 4 टाइप्स में। ओके सर। दोपहर में ये टाइम रहता है उसमें, ठीक है? उसमें एल्काइल हैलाइड बस एराइल हैलाइड पे पहुंचे, उसमें ट्यूजडे थर्सडे में इलेक्ट्रो होगा, जिसके किसी को रिपीट करना हो तो है ना इलेक्ट्रो, उसमें जब जब होगा तो बता दो, पूछ लेना, अभी तो बायोमोलिक्यूल चल रहा है उसमें, ये सब आप कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये RCOH एनहाइड्राइड बनाने के लिए पानी उड़ाना होता है, दो मॉलिक्यूल्स मिला के, दो मॉलिक्यूल्स में से पानी कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी कर सकते हैं, या फिर और बेटर है एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड में से पानी उड़ा दिया, एसिड एनहाइड्राइड, P2O5 से भी होता है, P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 इज P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या होता है P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो पानी उड़ाता है, समझ आ गया? ठीक है, अच्छा इसका इसका उल्टा रिएक्शन, इसमें पानी मतलब मिला दो, पानी उड़ाया, पानी मिला दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, वापस कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रही? पानी जोड़ दो, पानी जोड़ेंगे, अच्छा उसमें आपको याद है
परकिन रिएक्शन में बताया था मैंने आपको, एनहाइड्राइड से पानी जोड़ते दोनों तरफ से एसिड बन जाता है, सिनेमिक एसिड बनाया था, याद रखो रिएक्शंस, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक तरफ एच और एक तरफ OH जुड़ जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक। सीधी रिएक्शन उल्टी रिएक्शन, अंडरस्टूड? एस्टरिफिकेशन, एस्टर का बनाना, एस्टर का बनना कर चुके हैं हम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। पानी उड़ाएंगे इनका, क्या बन जाएगा एस्टर, टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं आप, स्वीट स्मेलिंग एस्टर विल बी फॉर्म्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो स्वीट स्मेलिंग एस्टर विल बी फॉर्म्ड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चों, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रही है, ठीक है। तो एस्टर का बनना और एस्टर को वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शंस है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना और डेरिवेटिव से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनना, क्लियर है इतनी कहानी सबको। लास्ट है एमाइड और नाइट्राइल, ठीक है, ये देखना एक बार ध्यान से। RCOH और अमोनिया को जब हम हीट करते हैं, बहुत ध्यान से याद रखना इसको, RCOH और अमोनिया को रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है सॉल्ट, एसिड और बेस रिएक्ट करके इसको हीट करते हैं तो पानी उड़ाएंगे तो RCONH2 बनता है, H2 उड़ा के क्या बनता है RCONH2। सिर्फ हीट करने पे एमाइड, ध्यान रखना है NCERT में क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे, सिर्फ हीट करने पे एमाइड, ओनली हीटिंग। फिर इसमें हम P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे तो इसमें से भी पानी उड़ जाएगा, एक और बूंद पानी गया, RCN बन गया, एक H2O यहां उड़ा, फिर एक H2O यहां उड़ा, दो बूंद पानी उड़ाई, दोनों बनते हैं सिर्फ हीट करेंगे तो एमाइड, हीट के बाद P2O5 डालेंगे तो नाइट्राइल। अच्छे से याद करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ याद करना है कितना पानी उड़ाना है, कैसे क्या, P2O5 डालने से दूसरा पानी उड़ रहा है, उल्टा रिएक्शन मैंने करा भी दिया आपको ऑलरेडी, आरसीएन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, आरसीओएच और अमोनिया बनता है, लेकिन स्टेप वाइज, पहले एक पानी ऐड किया आपने एचओएच, क्या आया एचओएच, इट ऑटोमराइज हो जाएगा आरसीओएनएच टू, एक पानी से, एक बूंद पानी से आरसीओएनएच टू, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अभी अधूरा हुआ है काम, और पानी जोड़ेंगे इसमें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तो ये खुल जाएगा RCOH और अमोनिया में। देख लो जो ऊपर लिखा हुआ है उसका उल्टा है, RCOH और अमोनिया को रिएक्ट कराया, एक पानी उड़ाया तो RCONH2, दूसरा पानी उड़ाया तो RCN, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? पर RCN में हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हुआ, एक बूंद पानी डाल के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से RCONH2, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से RCOH और अमोनिया, ये सब अच्छे से याद करनी है आपको, एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना और उससे वापस से एसिड में कन्वर्ट करना। क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आ रही बात?
सो इन रिएक्शंस को आप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में भी सोच सकते हो और है ना और एसिड डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में भी सोच सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में भी है, ये सारे रिएक्शन सबसे पहले। समझ आ गया इतना सब कुछ? कोई दिक्कत परेशानी? फिर इसके अलावा और जो प्रिपरेशन बचती है एक दो और कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये सारी तो है ही है। इसके अलावा एक तो है ही ऑक्सीडेशन कर दो कंप्लीट है ना K-4, कोई बड़ी बात नहीं, पूछेगा भी नहीं कोई RCOH, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना, ऑक्सीडेशन फिर से। इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि टॉलुवीन हो, इथाइल बेंजीन हो, कितने भी कार्बन लगे हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं उसका तो वेरी इंपॉर्टेंट। विग्रस ऑक्सीडेशन मतलब K-4H+ एसिडिक मीडियम में हीट कर दिया, विग्रस ऑक्सीडेशन कर दिया, एक ही कार्बन बचेगा, सिर्फ बेंजोइक एसिड बचेगा, कितने भी कार्बन हो सब उड़ जाएंगे। Only this will be formed. Very important. ठीक है, अच्छे से याद कर लो, नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे इन सब चीजों पे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन, एक प्रिपरेशन तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबको समझ आ रही बात? एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बच्चों, इसका CO2 पे ग्रिगनार्ड लीजिए, CO2+ ग्रिगनार्ड लीजिए। बताओ कौन कहाँ जुड़ेगा, R कहाँ जुड़ेगा, MgX कहाँ जुड़ेगा, ये वही तरीका है। कार्बन भी पॉजिटिव, CO2 के कार्बन भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन भी नेगेटिव, और ग्रिगनार्ड एजेंट वाले कार्बन भी नेगेटिव, तो R आके जुड़ेगा कार्बन पे, RCOOMgX बन जाएगा। समझ आ रही बात सबको भाई? नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा पॉजिटिव पे, और बस फिर हाइड्रोलिसिस से सीधे, हाइड्रोलिसिस से लिखने की भी जरूरत नहीं, हमें यही बनाना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐड होता है कार्बोक्स CO2 पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सिंपल सा प्रिपरेशन।
उसमें आगे सबको प्रिपरेशन, ठीक है, एक तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हो गए सारे डेरिवेटिव सारे, और उसके बाद ये कुछ दो तीन प्रिपरेशन। एक एल्कीन्स में भी होता था 11th क्लास में, इसको भी हम वो करते थे KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बीच से टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। ठीक है, तो 11th में हमने किया था ये एल्कीन्स को, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ क्या होता था, बीच से डबल बॉन्ड के दो टुकड़े, बीच से डबल बॉन्ड के दो टुकड़े, बताओ जो समझ आ रही बात सबको, कोई दिक्कत परेशानी? सर ये वाले रिएक्शन स्कूल में आएंगे ना? ये वाले रिएक्शन क्या बोल रहे हैं प्रिंस फिसबोल? मैं बोल रहा हूँ ये वाले रिएक्शन स्कूल में आएंगे ना? हाँ हाँ, स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक है, इलेवेंथ वाले थोड़े कम पूछ सकते हैं स्कूल में, और तो क्या है ना, इलेवेंथ वाले थोड़े कम पूछ सकते हैं। यस सर। ज्यादा पूछ सकते हैं बस ये है। ये बच्चों रिएक्शन प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद हम रिएक्शंस देख लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस में सबसे पहले तो वही यार एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, एसिडिक नेचर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर सब पता है आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं हम एसिडिक नेचर, ये है एनायन की स्टेबिलिटी से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ाता है एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, फॉर्मिक एसिड सब लोगों को पता है, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी की बाइट में होता है, रेड एंट की बाइट में अच्छा खासा एसिडिक होता है, ठीक ठाक एसिडिक एसिड तो हम खाने में खाते हैं तो कम एसिडिक होगा ऑब्वियसली, समझ में आ रही बात उसमें। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को कम करता है। ऑल राइट, सिंपल, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, ठीक है सुशांत, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, क्योंकि एल प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अच्छे से याद रखना है ये। बेंजोइक एसिड्स में वही ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है NO2, तो बढ़ा देगा एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो घटा देगा एसिडिक नेचर को। ये सब चीजें आपको बच्चों आती है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
और ज्यादा, प्लस आर से कोई देगा तो और घटा देगा एसिडिक नेचर को, प्लस आर ओ सी एस थ्री। ये तो सबको याद हो गया होगा ना, माइनस आर कौन देता है, प्लस आई कौन देता है, प्लस आर कौन देता है, ठीक है। डोनेटिंग घटा देगा एसिडिक नेचर को, विड्रॉइंग बढ़ा देगा एसिडिक नेचर को, खत्म बात। क्लियर है सबको चीज, ठीक है। तो इस तरह से हमने एसिडिक नेचर के बारे में करना है। इसके अलावा बच्चों एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये ध्यान रखना, बस ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ बेंजोइक एसिड को, कोई भी ग्रुप हो, वो एसिडिक नेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो उसका कुछ रीजन होता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है COH, ठीक है, CH आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो उसकी रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ कम हो जाती है, तो उस वजह से अच्छा हो जाता है उसका एसिडिक नेचर। उसमें आपको डिटेल में नहीं आना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, एनी ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेस एसिडिक नेचर कंसिडरेबली, अच्छा खासा बढ़ा देता है, ठीक है। कोई भी ग्रुप लगाओ अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो वो ज्यादा एसिडिक हो ही जाएगा, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? ऊपर वाला हमने एसिडिक के लिए देखा था ना। हाँ, एसिडिक नेचर लिखे हैं हर जगह हमने, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, ठीक है प्रिंस, समझ में आ रही बात? यस सर। कोई डाउट बताओ जो जल्दी से, इसमें सबको समझ आ रहा है, याद है सबको? विड्रॉइंग नेचर हम बहुत बार कर चुके हैं, विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है एसिडिक नेचर को बढ़ा देंगे। ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ ग्रुप तो वो एसिडिक नेचर को अच्छा खासा बढ़ा देगा, बेंजोइक एसिड्स की बात हो रही है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने सर, थोड़ा सा ऊपर कर दो, नोट कर रहा है? और नहीं सर, बस। सर कर लिया नोट। कर लिया, चलो ठीक है, ठीक है चलो ना, ये सब आप लोग याद कर लो, बहुत ज्यादा नहीं बचा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स थोड़ा सा छोटा सा ये टॉपिक है, ठीक है। फिर अमाइंस बचता है, अमाइंस भी छोटा टॉपिक है, उसके बाद आपका हम काइनेटिक्स खत्म करके आपका फिजिकल ऑर्गेनिक सब खत्म हो जाएगा यार, है ना। लेकिन थोड़ा सा टाइम बस लगेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है बच्चों, आराम से क्वेश्चंस करते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस खत्म करना, इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन करना, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज आप लोग समझ लो। साथ साथ करते रहो सब लोग क्वेश्चंस, जितने भी दे रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट देता हूँ, टेस्ट किया करो उसको और सबमिट किया करो, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कितना क्या फन कर रहा है सर। और अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, पैरा पैरा पे NO2 लगा होगा तो?
वैसे तो ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछेंगे नहीं, लेकिन ऑर्थो वाला इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, ये ध्यान रख, ऑर्थो इफेक्ट इज वेरी तगड़ा। NO2 लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुझसे ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एक में NO2 लगा, पूछेंगे सेम ग्रुप्स के लिए पूछेंगे हमेशा। ओके सर, है ना, कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है एक्चुअल में, हम जब पढ़ते हैं हाई लेवल पे तो ऑर्थो इफेक्ट बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। क्लियर? ओके यस सर, चलो बाय।